लिफ्ट के अंदर आ चुका हूँ और सारा सामान हो गया रेडी और मैं निकल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। पता नहीं कहाँ निकल रहा हूँ पर निकल रहा हूँ। बाइक पे बैठ के सोचूंगा कि मुझे इस देश में कहाँ जाना है, तो चेकआउट कर लेते हैं जल्दी से, बाइक पे सामान लोड कर देते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं। खुल जा सिम सिम खोल। चलो ठीक है, 12:30 हो गए। चलिए भैया, अच्छा लगा यार, सुबह का पहला केक लेते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, तो निकल गए हम लोग अपने अगले सफर की तरफ। मैं तय करता हूँ कि मुझे जाना है तो जाना कहाँ है, क्योंकि मुझे जाना है ऊपर की तरफ। जो मेरी डीपी है ना भाई, यहाँ पे निकाली थी मैंने, इस जिम में निकाली थी, ये अल्फा वन में जो पहला टावर है, तो भाई वो यहाँ की पिक है। ऊपर जाने का बहुत मन है पर लगेज बंधा हुआ है, पर 12:30 भी हो गए। ओ तेरी, थोड़ा कैश निकालना था इसलिए आया यहाँ पे। तो भाई वो अब बिना किसी मजाक के और मस्ती के चुपचाप हाईवे पकड़ना है। मैं जा रहा हूँ यमुनानगर और यमुनानगर दिखा रहा है मुझे यहाँ से 250 किलोमीटर, शाम के 5 बजे तक मैं पहुंचूंगा यमुनानगर। सीधा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे मैंने चढ़ जाना है, बाद में पता नहीं कहाँ उतर जाना है। तो भाइयों, आज का सफर हो चुका है शुरू। तो ये अल्फा वन मेट्रो स्टेशन, जब मैं ग्रेटर नोएडा में बहुत टाइम रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ग्रेटर नोएडा में बहुत टाइम रहा हूँ, मतलब ग्रेटर नोएडा मेरे लिए एक ऐसा है कि भाई अपना सा है। तो ग्रेटर नोएडा में एक दिन बिताने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने अगले सफर की तरफ। अगला सफर है यमुनानगर हरियाणा। हरियाणा का नाम आता है तो दिमाग में एक ही बात आती है, पहलवान। ईस्टर्न पेरिफेरल बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है, बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब मैप में देखते ही मैं इतना खुश हो गया, मैं बोला चलो यार अब तो जाएंगे। भाई यहाँ पे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे, हर कदम पे रिश्तेदार फैले हुए हैं, चप्पे पे गुज्जर के रिश्तेदार। भाई वो फीलिंग टूट जाएगी। अब मैं मौसी के घर जाता, वहाँ बैठ जाता, मौसी बोलती है बस मन में वो है ना कि 2 महीने होने को आए हैं, घर नहीं गया, वो टूट जाएगा, वो ऐसा घर ही हो गया ना भाई। चीज को मुझे तोड़ना नहीं था, वो अंदर की फीलिंग एक क्रिएट हो रही है, इतने दिन हो गए घर नहीं गया, वैसा किसी रिश्तेदार के घर जाऊंगा तो वो घर जैसी फीलिंग आ जाएगी वहाँ। भाई ईस्टर्न पेरिफेरल, गाजियाबाद, मेरठ, कुंडली, हरिद्वार, चंडीगढ़, इधर जा रहा हूँ मैं। अगर मैं इधर जाऊँ ना भाई, एक ही दिन में चित्तौड़गढ़ और कल शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा नासिक। तो लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। तो हम मुड़ चुके हैं, उम्मीद है कि यहाँ पे बाइक से टोल ना लिया जाए, उम्मीद पे खरा उतरेगा ये हाईवे, और उतर चुका है। तो भाई चढ़ गए, भाई चढ़ गए। अभी जस्ट कल की वीडियो मैंने अपलोड की है, क्या रिप्लाई आ रहे बंदों की, रिप्लाई आ रहे भाई दिल्ली मीटअप कर लो, निखिल शर्मा। अरे यार दिल्ली तो मैं घुसा ही नहीं मेरे भाई, मैं तो दिल्ली घुसा ही नहीं हूँ यार, पर दिल्ली तो आना होगा। दिल्ली तो भाई घर ही है भाई। मक्खन ब्लॉग भाई, एमपी से निकलो तो बताना जरूर भाई, जरूर। अंकुश भाई, राधे राधे भाई, कौन है भाई, बहुत इंतज़ार करवाया आपने इस वीडियो के लिए, कल से वेट कर रहा हूँ। अर्पित उपाध्याय, थैंक यू यार। समीर मेरे भाई, बिहार से, ओनली वाटर वॉश, ओके ब्रो। अरे हाँ ना यार, बंदे ने यार इसके ऊपर क्या कर दिया यार, मैं बाद में मेरे दिमाग में आया ये तो ये फेड कर देगा यार कलर। भाई अयोध्या क्यों नहीं गए यार, कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। आज का टाइटल तो आप लोगों ने देखा ना, आज का टाइटल, हाँ टाइटल पे आता हूँ मैं, चलो कमेंट को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, टाइटल पे आता हूँ। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे लंबा जाना है, कोई नहीं है तो चलो यार आपकी कमेंट देख के आपसे बात कर लेते हैं। बात कुछ ऐसी है, कैमरा ऑन है कि नहीं, जब ऐसी बड़बड़ा रहा है। हाँ मैंने ड्रोन उड़ाया कोलकाता में, मैंने ऊपर स्विमिंग पूल पे ड्रोन उड़ाया, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया यार, मेरी गलती थी, मैं बहुत पछताया। मतलब मेरे को सिर्फ 5 दिन लगे उस शौक से बाहर निकलने के लिए। सही बात है यार, 45,000 नॉट अ जोक यार, मजाक की बात नहीं है। लेकिन हाँ तब भी वो जिंदा है, ऑन हो रहा है, उसके अंदर जितनी भी मेरी वीडियोस थी उसने मेरे को शेयर की, मतलब उसके अंदर से मैं अभी भी काम कर पा रहा हूँ। बस उसको मैं फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो आगे का गिम्बल है, मैविक मिनी का गिम्बल आगे का टूट गया है, 7वीं मंजिल से गिर के भी जिंदा है यार, है ना, मानते हो कि नहीं। अरे डीजीआई यार, डीजीआई है यार,
मतलब 7th फ्लोर से गिर गए तो उसके चीथड़े उड़ जाने चाहिए थे। जब वो गिर रहा था ना तो मैं आवाज सुन पा रहा था नीचे तक, मतलब उसने बहुत ट्राई करी कि वो उड़ता रहे बहुत ट्राई करी। टकराते टकराते गिर गया, होटल रूम के अंदर उड़ाया, बाहर आराम से निकल गया, एकदम इजीली बाहर चला गया। वो पूरा 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 वीडियोस निकाली उसने, सीन वीन शॉट्स लिए। उसके बाद जब अंदर आने को लफड़ा करने लगा, यार मेरा सीधा आ जा यार, चुपचाप आ जा, सीधा आ जा। नहीं, जैसे ही वो बिल्डिंग के पास आता है वैसे वो या तो इधर भाग रहा था या इधर भाग रहा था। और फाइनली फिर वो उसने टकराई गया। बाद में मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर मुझे होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं बताना था कि मैंने ये काम किया है, इसलिए नहीं तो मैंने क्या किया होता, उसको ऊपर ही रहने दिया होता वहीं पे थोड़ी सी ऊंचाई पे, और मैं भाग के नीचे गया होता और फिर मैंने उसको नीचे लैंड करा लिया होता। ये मेरे पास एक ऑप्शन था, या फिर मैं ऊपर से उसको नीचे ग्राउंड पे लैंड करा सकता था। लेकिन मेरे को सिक्योरिटी गार्ड्स को और होटल वालों को ज़्यादा शो नहीं करना था कि यार मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा हूँ। वैसे भी कोलकाता एक बहुत ही बिजी वो एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी, एक छोटा सा सीन लेना था इसलिए उड़ा दिया। यार अभी भी दुख हो रहा है मेरे को, अभी भी दुख हो रहा है। क्या यार, मेरा ड्रोनू चला गया यार, मेरा ड्रोनू, मेरे छोटा सा ड्रोनू। भाई इस ड्रोनू को अपने को सही करवाना है, हाँ ड्रोनों को सही करवाना है भाई। ठीक है, तो अभी कोई लेटेस्ट कमेंट आया कि नहीं फिर मैं डायरेक्ट राइड पे ध्यान देता हूँ। आखिर नासिक से दिल्ली पूरी कर ही लिया? हाँ भाई कर ही लिया मेरे भाई, चिन में पढ़ा नहीं जा रहा, गाड़ी हिल रही है। सल्यूट मेरे भाई, थैंक यू भाई, सल्यूट यू टू। क्या करते यार ये ट्रक वाले, अरे दारू थोड़ा कम पियो यार, पियो तो सो जाओ। अरे भाई कैसे हो, ये नींद आ गई, ये कहीं और नीचे ना गिर जाए। बढ़िया से लेट के ताड़ रहा है, कमाल है। ये देखो सोलर लगा रखा है, तो सोलर सिस्टम से सारी लाइट्स रात को ऑन हो जाती हैं। सारा काम जो ईस्टर्न पेरिफेरल पे है वो सोलर सिस्टम से ही चल रहा है। ये चल क्या रहा है यार, बाइक के लिए जगह कहाँ है? यहाँ से दिखा रहा है अम्बाला और पानीपत, पानीपत और अम्बाला के लिए मुझे ले लेना है टर्न, और ये घूम के हम लोग लग जाने वाले हैं इस हाईवे पे। चलो नमक मिर्च है, नमक मिर्च है, नमक मिर्च एक काट दो, बढ़िया सा काट दो एक। करोल बाग में है क्या? यादव जी आप कमाल कर रहे हो यार, पता नहीं ऐसा क्यों मन कर रहा है कि तू छोले भटूरे खा ले। अमरूद तो खा ही लिया था लेकिन पता नहीं क्यों मन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। क्या रोड है भाई, क्या रोड है, मजा आ रहा है। 110 पे भाग रही है भाई, एकदम स्मूथ, एकदम स्मूथ भाई, एकदम स्मूथ मेरा भाई। ऐसा लगा अभी अभी बनी है बस। यमुनानगर 98 किलोमीटर लेफ्ट, ब्रेक 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 आ गया भाई टोलनाका, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया।
मतलब मेरे को रास्ते में ना बहुत सारे लोग मिलते हैं यार, अब तक तो मेरे को बहुत लोग मिले हैं जो चीयर अप करते हैं, थम्स अप देते हैं। फास्टैग का प्रोसेस चल रहा है, मतलब पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है फास्टैग, और आजकल तो कंपलसरी कर दिया है, कोई अगर नई गाड़ी खरीदता है तो उसके साथ फास्टैग आता है। थोड़ा थोड़ा करके, हाँ ये चलने दो 430। देखो भाई ये नई टेक्निक है, मतलब पेट्रोल भरता है अच्छे से। बिलिंदर थोड़ी देर ना, छोड़ दे टंकी भर जाएगी। क्या बात होगी चीचा, है भाई क्या हो गया, तेल खत्म हो गया, कमाल है यार। रॉयल इनफील्ड की एक बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को, काफी सारी गाड़ीज होती है ना, आप पूरा एक्सीलेटर दबा दो उसके बाद क्या होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, या फिर वाइब्रेट करने लगती है, या घूम बस इंजन बोलता है कि भाई इसके आगे नहीं जाऊंगी मैं। रॉयल इनफील्ड में ऐसा नहीं है, मतलब पूरा एक्सीलेटर करके रखोगे ना पूरा एकदम फुल, भाई एक हाथ से गाड़ी इजीली सामने सीधा होकर चलेगी, ये स्पेशलिटी है भाई ये गाड़ी की। क्या हवा है बस, पंजाब हरियाणा की हवा में इच बात है भाई, हवा जो है ना इधर की उसमें जान है, बहुत जान है, जान जान। पहलवानी करनी है तो यहाँ करनी है, एक नंबर। यमुना नगर में आप सभी का स्वागत है, यमुना नगर हरियाणा में एंट्री हो चुकी है अपनी, 6 बजे पहुंचा हूं मैं, ना ही एक मिनट आगे ना ही एक मिनट पीछे, बताओ यार। और सुबह सुबह कितना रिलैक्स था मैं भाई, मार्केट तो बंद लग रहा है मुझे, क्या बात है, मार्केट बंद है भाई, भाई सारा मार्केट बंद है, क्या बात है भाई, सब कुछ ठीक तो है, कुशल मंगल तो है, 90% शॉप तो मुझे बंद ही लग रही है। तो मैं आ चुका हूँ यमुना नगर हरियाणा, और अभी फिलहाल मैं हरियाणा में हूँ यमुना नगर में। तो इसी के साथ भैया आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज ऑलवेज। राधे राधे, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे। बहुत ही अच्छी राइड थी आज की, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, यहाँ पे ना ठंड लग रही है अब, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ते जा रहा हूँ तो थोड़ी बहुत ठंड अब लग रही है, क्योंकि मेरे को दिल्ली में लगा भाई ठंड तो बिल्कुल चली गई, पर जैसे ही आज यहाँ पे आया 250 से ज़्यादा तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई ठंड है, कमरे के अंदर भी ठंड है, जैकेट पहन रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, रखता हूँ और लग जाता हूँ काम पे, बाय 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 बाय, मिलते भाई जल्दी कल के ब्लॉग में।